हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारा टॉपिक होगा न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। तो वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ। आप ऐसे समझो कि एक्चुअल में फर्स्ट लॉ जो था वो गैलीलियो ने दिया था, और सेकंड लॉ जो था वो फोर्स के लिए बनाया कि फोर्स निकालने का फार्मूला, लेकिन थर्ड लॉ जो था इसको समझने के लिए एक काफी इंटेलिजेंस की जरूरत है। यह मां सोचे कि न्यूटन थर्ड लॉ से लगता बहुत इजी है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये लॉ जो है इस लॉ के आने के बाद ही हमें फोर्सेस के बारे में रियल में समझ आई कि फोर्सेस रियल में सिंगल नहीं होती बल्कि पेयर्स में होती। जो बाकी लॉ हम पढ़ रहे थे कि एक फोर्स होती है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से हमें समझ आता कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि हर एक्शन, अगर आप कोई एक्शन होता है तो उसका अपोजिट रिएक्शन आपको पक्का मिलेगा। यह कभी नहीं हो सकता कि आपने एक्शन किया और रिएक्शन ना हो। एक्शन आप फोर्स की धारणा में ले सकते हो। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन आता है यहां पर कि मैंने ब्लैक बोर्ड को मारा, जब मैंने ब्लैक बोर्ड को जोर से मारा तो मेरे हाथ में भी तो लगेगी, तो मेरे हाथ में कैसे लगी, मेरी मुझे किसने मारा, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर हम एक लिविंग थिंग्स को मारते हैं, चलो हमने माना ये लोगों का मिथ होता है कि मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने जो थप्पड़ मारा मुझे वो एक्शन रिएक्शन है, ऐसा है नहीं। एक्शन रिएक्शन वो नहीं है। अब आप ऐसा देखिए कि आप कई बार किसी एक स्ट्रांग आदमी किसी वीक आदमी को थप्पड़ मारता है, तो वीक आदमी वापस पलटवार नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन किया आपने, रिएक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अब वो आपको अंदर से कोसेगा, वो आपको अंदर से गालियां देगा, वो भी रिएक्शन होगा। जरूरी नहीं कि आपको एक्शन रिएक्शन का मतलब जो लोगों में मिथ होता है कि एक्शन का मतलब मैंने मारा वो भी आगे से मुझे मारेगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक्शन रिएक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। जब देखो यहां पर मैंने इसको मारा, मेरे हाथ में लगी, लेकिन इस ब्लैक बोर्ड ने तो मुझे नहीं ना मारा, तो इसका मतलब कि जब मैंने ब्लैक बोर्ड को मारा तो ब्लैक बोर्ड ने एक फोर्स मेरे ऊपर लगाई होगी, वो हो गया रिएक्शन, मुझे हो गया एक्शन। और एक्शन रिएक्शन जो होते हैं ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं। देखो अब मैंने एक्शन कहां पर किया, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और ब्लैक बोर्ड ने मेरे पर, मेरे हाथ पर एक्शन किया। इसलिए एक्शन और रिएक्शन आपके हमेशा दो बॉडीज के ऊपर होंगे। ऐसा तभी तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक ही बॉडी के ऊपर नहीं लगती, ये दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्शन और रिएक्शन होते हैं। चलो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी आप बात सर, मान लीजिए ये लॉ की डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई होता है। मान लो कि मैंने एक एक्शन किया कि मैंने अपने बारे में पॉजिटिव सोचा, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनूंगा, जो भी मेरी इच्छा है। तो इसका मतलब कि आप ब्रह्मांड में कौन सा एक्शन कर रहे हो, पॉजिटिव, तो आप हमेशा आप वही बनना स्टार्ट हो जाओगे। अगर आप रोज बैठकर ये सोचते रहो, यहां पर बैठ के ये सोचते रहो कि यार मैं तो बीमार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी पास नहीं हो सकता, ये एक्शन हो रहा है, तो वापस नेचर भी आपको पलटकर वही देगी रिएक्शन। आप वाकई बीमार होगे, आप वाकई कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जो आप सोचोगे वो एक्शन होगा, और ब्रह्मांड पलटकर वही चीज देता है जो आप मांगोगे उससे। अगर आप मांगोगे कि दुनिया में शांति हो, तो
अगर सारी दुनिया जैसे हम बोल देंगे प्रेयर कीजिए प्रेयर कीजिए, तो प्रेयर का मतलब क्या है कि आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप बुरा सोचना स्टार्ट हो जाओगे तो आपको बुरा मिलेगा। दिस इज नोन एज एक्शन रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ। तो बच्चों टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन कर लीजिए, मान के चलिए कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा और एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये आपको याद रखना है, एक्शन रिएक्शन कभी भी एक बॉडी के ऊपर नहीं होते, ये एक्शन रिएक्शन हमेशा दो बॉडीज के ऊपर होते हैं। और इस क्लास में ये भी समझाता है कि फोर्सेस जो होंगी ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट होंगी, हमेशा कोई भी फोर्स होगी वो हमेशा उसका एक जुड़वा भाई पक्का होगा, जुड़वा भाई ऐसा बोलोगे एक एक्शन होगा उसका बिल्कुल सेम उसका जुड़वा होगा, दैट इज नोन एज रिएक्शन। और कहने का मतलब है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स का मतलब है कि अगर मैंने एक्शन किया, एक्शन कर रहा हूं उसका रिएक्शन भी मिल रहा है, इसका मतलब है कि अगर मेरा एक्शन जीरो हो जाएगा तो रिएक्शन भी उसी वक्त जीरो हो जाएगा। मतलब कि एक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली लगते हैं, और अगर आपका एक्शन खत्म हुआ तो रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा, जैसे ही आपका एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा। ये नहीं कभी होता कि पहले मैंने ब्लैक होल को मारा फिर मैं वेट करूंगा कि मुझे ब्लैक होल कब मारेगा, ऐसा नहीं होता। आपने जैसे इंटरेक्ट किया, जैसे आप देखो मैंने इसको मारा ना, अब मुझे ये नहीं पता कि ब्लैक होल ने पहले मुझे मारा या मैंने उसको मारा। जैसे आप कहीं बाजार में जा रहे होते हो, आप कहीं में धक्का लग जाता है एक दूसरे के साथ, तो जैसे आप इंटरेक्ट करते हो तो दूसरे आदमी को लगता है कि इसने मारा है, मुझे लगता है कि इसने मारा है, तो ये एक साथ ही एक्शन रिएक्शन होते हैं। ये नहीं कभी होता कि एक्शन कहीं पहले हो गया रिएक्शन कहीं एक घंटे के बाद होगा, ऐसा नहीं होता। ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ दो बॉडीज के ऊपर लगती हैं, जो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन जो है, ये प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस इज ड्यू टू इंटरेक्शन। ये आपका बच्चों जो मेन इस बात का मतलब था कि एक्शन रिएक्शन जो भी होगा, मतलब ये जो फोर्स होगी, यही मतलब हुआ एक्शन रिएक्शन का मतलब हुआ कि जब यह फोर्स पैदा होगी, फोर्स प्रोड्यूस इज ड्यू टू इंटरेक्शन, जब दो पार्टी आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब जाकर जो एक्शन रिएक्शन पैदा होता है, मतलब ये फोर्स पैदा होती है। अब इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जुड़े नहीं कि फिजिकली ही इंटरेक्ट करें, मतलब कि फिजिकली देखो एक होगा कि मैंने इसको फिजिकली टच किया, ऐसे भी इंटरेक्शन हुई, और एक होता है कि बिना फिजिकल टच के भी आप एक्शन रिएक्शन हो जाता है। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये यहीं से ये वाला चार्ज इसको यहीं से रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको यहां से रिपेल करेगा बिना टच में आए, तो ये देखिए ये भी इसके ऊपर फोर्स डाल रहा है, ये भी इसके ऊपर फोर्स डाल रहा है, इंटरेक्शन हो रही है लेकिन जुड़ी नहीं फिजिकली हो। तो बच्चों फोर्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका मेन है कि जो फोर्स पैदा होती है वो ड्यू टू इंटरेक्शन होती है, जब आप दो पार्टीज इंटरेक्ट करती है चाहे वो फिजिकली करें चाहे ना करे, चाहे वो फील्ड फोर्सेस होती है जो डिस्टेंस से लगती है, तो एक्शन रिएक्शन आपका प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू इंटरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं किसी बॉडी को एक आइसोलेट कर दू, मान लो ये एक बॉडी है इसको मैं अकेला छोड़ दू, मतलब इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना डाले कोई भी इंटरेक्ट ना करे, तो यहां पर बच्चों जब इंटरेक्शन भी नहीं होगी तो यहां पर फिर एक्शन रिएक्शन भी नहीं हो सकती। तो आपने मेन चीज याद रखनी है कि न्यूटन थॉला कहता है कि जब आप टू एवरी एक्शन, हर रिएक्शन का एक एक्शन का रिएक्शन होगा, दोनों एक्शन रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं, इससे साबित होता है कि फोर्सेस दुनिया में हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, अगर पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं
अगर एक्शन एक्शन हो रहा है, अगर एक्शन जीरो होगा तो रिएक्शन भी उसी वक्त जीरो होगा. बोथ बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली एंड डिसअपीयर साइमल्टेनियसली, ये आपको याद रखना. और इससे साबित हुआ कि एक्शन एक्शन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है क्योंकि इंटरेक्शन के कारण. जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती है तब फोर्स का जन्म होता है. वो इंटरेक्शन फिजिकल भी हो सकती है या दूर से भी हो सकता है, डिस्टेंस से भी हो सकता है. जैसे जैसे दो मैग्नेट के नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करते हैं, नॉर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो तो बिना टच के ही तो वो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना. ये आपको याद रखना है. और बच्चों थोड़ा सा हम इसकी एग्जांपल से ले लेते हैं वेव्स के बारे में भी. जैसे आप देखते हो कि न्यूटन थर्मा की एग्जाम्पल, जैसे हम देखो कि जैसे सपोज करो कि हम, आपने पढ़ा होगा कि हम कुछ स्विमिंग करते हैं. जैसे कोई स्विमिंग करता है बंदा, यहाँ पर वो क्या करता है कि पानी को, हम क्या करते हैं कि पानी को पीछे धकेलते हैं. जब हम पानी को पीछे धकेलते हैं तो ये एक्शन हुआ किसके ऊपर, पानी के ऊपर. फिर पानी हमें आगे धक्का देगा, दैट इज नोन एज रिएक्शन. जैसे हम चलते हैं हम जमीन को पीछे धक्का देते हैं, दैट इज नोन एज एक्शन. तो फिर जमीन हमें आगे धक्का देती है, दैट इज नोन एज रिएक्शन. जैसे आपने देखा होगा कभी बैलून वगैरह, जैसे आपने देखा होगा हवा भरो, जब इसको हवा नीचे आती है तो बैलून ऊपर जाता है, एक्शन नीचे हुआ रिएक्शन ऊपर हुआ. तो ये चीजें आप डे टू डे लाइफ में बच्चों देखते हैं. और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स इसके समझ लेते हैं. ये तो 9th 10th तक ही आपको समझ आ गया है, थोड़ा टेक्निकल इसको समझते हैं. देखिए मान लीजिए कि ये आपकी आंख है और यहां पर एक बॉडी है जिसका मास एम है. अब बच्चों अर्थ क्या करेगी, इस बॉडी को नीचे खींचेगी और जिस फोर्स से नीचे खींचेगी उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट. वेट हो गया नीचे एम जी. वेट क्या होता है, वेट होता है कि जिस फोर्स से अर्थ नीचे खींच लेगी. अब मानो कि ये अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, वो हो गया वेट, उसको बोलेंगे एक्शन. एक्शन किसके ऊपर हुआ, इस ब्लॉक के ऊपर. अब न्यूटन थाला कहता है कि अगर एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा. अब जिसके ऊपर एक्शन हुआ तो रिएक्शन कहां पर होगा, जरा सोचो. आप वीडियो पॉज करके सोचो कि अगर अर्थ ने इस बॉडी के ऊपर, जैसे मैंने ये पेन है, इस पेन को मैं छोड़ता हूं तो ये अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है जिसका नाम है वेट, और वो उसके कारण पेन नीचे गिर रहे हैं. तो ये हो गया एक्शन. एक्शन में लिख देता हूं, ये एक्शन, ये एक्शन होगा वेट. अब रिएक्शन कहां पर है, रिएक्शन कहां पर होगा. तो बच्चों मैंने आपको समझाया कि एक्शन कौन कर रहा है, अर्थ इसको खींच रही है नीचे, ये हो गया अर्थ ने इसके ऊपर एक्शन लिया. अब ये भी अर्थ को ऊपर खींचेगा और वो हो गया आपका रिएक्शन. और जितनी फोर्स से अर्थ इसको नीचे खींच रही है उतनी ही फोर्स से, मतलब कि रिएक्शन भी उतना ही होगा जितनी फोर्स से अर्थ इसको नीचे खींचेगी, उतनी फोर्स से ये वाला बॉडी भी अर्थ को ऊपर खींचेगी. तो ये हो गया. आप देखिए अगर कोई बॉडी गिर रही है तो कई बार बच्चे हैं वो कंफ्यूज सा, ये रिएक्शन हो गया रिएक्शन ऊपर ड्रा करते हैं, ऐसा भी करना. एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर, अर्थ ने इसको खींचा दैट इज एक्शन. अब ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी दैट इज एक्शन, और दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट होंगी. और इस थोड़ी सिचुएशन को चेंज करते हैं. मान लीजिए यहां पर मैं क्या करता हूं कि ये ब्लॉक आ रहा है, इसको मैं कहीं ना रोक देता हूं. यहां पर मान लो यहां पर इस ब्लॉक को इस टेबल के ऊपर रोक, नीचे कोई एक तो एक बोर्ड रख देता हूं अर्थ और इसके बीच में. अब देखिए अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी एक्शन, और ये बॉडी नीचे गिर रही थी और ये बॉडी इसके ऊपर लगा रही थी रिएक्शन. अब नीचे के ऊपर मैंने एक ना स्पोर लगा दिया, ये ब्लॉक यहां पर आकर रुक गया. आकर ये रुकेगा फिर इसका बताओ एक्शन रिएक्शन कहां पर होगा. देखिए अर्थ जो इसके ऊपर एक्शन कर रही थी वो ये था वेट, ठीक है, और ब्लॉक जो अर्थ के ऊपर एक्शन कर रहा था वही रहेगा सेम आपका ये रिएक्शन. ये वही फोर्सेस पहले रहेंगे, लेकिन अब हुआ क्या,
अब हुआ क्या कि ये ब्लॉक जब इस बोर्ड के ऊपर नीचे की बोर्ड मैंने लगा दी या कोई फटा रख दिया, इसके बाद रुक गया है ना, जैसे दो पार्टीज कॉन्टैक्ट में आएंगी, कॉन्टैक्ट में आएंगे तो यहां पर क्या पैदा हो जाएगी, कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो पार्टीज कॉन्टैक्ट में आती है तब वो कॉन्टैक्ट फोर्स पैदा करती है। अब ये ब्लॉक पहले नीचे आ रहा था इस फोर्स से, अब ये ब्लॉक जो हो गया, ये ब्लॉक अगर नीचे नहीं आ रहा था इसका मतलब हुआ कि ये रुक गया है, रुकने का मतलब है कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गई है, और नेट फोर्स जीरो तो अभी कैसे होगी क्योंकि इसके ऊपर अभी मैंने एक ही फोर्स लगा दी है। इसका मतलब हुआ कि जब ये यहां पर कंटैक्ट में आएगा तो ये वाला जो ब्लॉक होगा, ये जो सपोर्ट मैंने लगाई हुई है, ये सपोर्ट इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए इस ब्लॉक के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला ब्लॉक इस ये वाला जो कोई भी स्पोर्ट है, ये वाली स्पोर्ट जब वो ब्लॉक रखा मैंने, ये इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक रुक गया है, जब रुकेगा तो इसका मतलब है कि इस वेट को कैंसिल करने के लिए इस ब्लॉक को ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और ये हो गया इस ब्लॉक ने इसके ऊपर किया एक्शन। अब अगर इस ब्लॉक ने ये जो सपोर्ट है मेरी, मान लीजिए ये कोई प्लैंक्स मैं लगा देता हूं, ये कोई प्लैंक्स है, इस प्लैंक ने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई ऊपर, अब क्या होगा, इसने किया इसके ऊपर एक्शन, अब ये ब्लॉक इस प्लैंक के ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे डायरेक्शन, और जितनी ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर लगाएगा उतना ही ये वाला ब्लॉक इस प्लैंक के ऊपर। अब कहने का मतलब है कि ये एन इस आर के बराबर होगा, ये एन जो है नॉर्मल रिएक्शन, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है इसका, और इस अर्थ में अर्थ का है इसके ऊपर एक्शन कौन सा है, वेट, और इस ब्लॉक ने जो इसके ऊपर एक्शन किया है वो ये है। तो आप कई बार आप बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे भी हमसे कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट जो है वो एक्शन रिएक्शन है, लेकिन वो गलत है बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन और वेट जो है ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये सबसे पहले मन से बाहर निकाल दो कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट आपके एक्शन रिएक्शन है, ये गलत है। आप देखिए आर्थ द्वारा समझे, आर्थ पहले इस ब्लॉक के ऊपर एक्शन करेगी वो हो गया वेट, अब ब्लॉक ने अर्थ को ऊपर खींचा वो हो गया रिएक्शन इस ब्लॉक का, अर्थ को इसका एक्शन इसके ऊपर वेट, इस ब्लॉक का इसके ऊपर रिएक्शन हो गया जो अर्थ को ऊपर खींचे, ये आ गया, ये दोनों आपस में हो गए बेस। मैं इसका नाम रख लेता हूं कि W और इस W डैश, ये आप देखो क्लियर वाली फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स है, यहां पर फोर्स एक्शन रिएक्शन क्लियर मुझे बताने हैं वो कौन से, ये देखिए पहले आपका एक्शन रिएक्शन क्लियर कौन सा, W और W डैश, ये हो गया ये और ये हो गया एक्शन रिएक्शन क्लियर। जैसे मैंने इस ब्लॉक को कहीं पर रोका, इस ब्लॉक ये जो उस प्लांट है, इस प्लांट ने इसके ऊपर डाला एक्शन हो गया है, और इस ब्लॉक ने भी इस प्लांट के ऊपर डाला रिएक्शन, तो यहां पर एन नॉर्मल एक्शन और ये जो आ रहे हैं ये है आपके एक्शन रिएक्शन पेयर। अब यहां पर एक चीज याद रखिए, एक्शन रिएक्शन जो होते हैं शुड बी ऑफ सेम नेचर, ये भी आप याद रखें, एक्शन रिएक्शन जो होगा वो दोनों सेम फोर्सेस होने चाहिए, मतलब कि अगर एक्शन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, अगर आपका एक्शन मैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी मैग्नेटिक फोर्स होगा, अगर एक्शन ग्रेविटेशन फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ये नहीं आप ये नहीं कह सकते कि इसका इस ये इसका ये एक्शन है तो ये नहीं इसके साथ एक्शन क्यों, तो नहीं, ये आप मोटी बात समझिए कि आपको मैं एक मिथ समझाता हूं कि मिथ क्या है। ये हम बच्चे या बुक्स में भी ऐसा लिखा कि ये ब्लॉक रखा हमने, मिथ समझे, मिथ मतलब क्या कंफ्यूज हो गया, मान लीजिए इसका मास है, हम पढ़ाते हैं इसको कि ये हो गया जी एक्शन वेट, इसका एक्शन हो गया और ये हो गया रिएक्शन,
वेट हमको पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते क्या है कि इसका वेट जो नीचे लगा है वो एक्शन है और इसने इसके ऊपर जो लगाया वो रिएक्शन है। ये गलत है, ये शरीयत गलत है। एक्चुअली वेट का, वेट जो लग रहा था, वेट क्या होता है, वेट होता है जिसे अर्थ इसको नीचे खींच रही थी, इसका रिएक्शन नीचे है कहीं पर। जो अर्थ ये वेट अगर नीचे लग रहा है तो वेट का रिएक्शन ये है जिससे अर्थ को ऊपर खींचेगा, और ये जो नाम रिएक्शन है ये इस ये जो आपकी अगर मान लीजिए कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड में इस ब्लॉक के ऊपर एक्शन लगाया, एक्शन किया, तो फिर ब्लॉक इसके ऊपर जो लगाएगा वो होगा इसका एक्शन रिएक्शन पेयर, और इसका एक्शन रिएक्शन पेयर ये है, ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये आपको बस याद रखना। और एक और बात, एक और दूसरा मीनिंग क्या है, ये हम मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा वेट के बराबर होती है, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये बड़ी बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने देते हैं तो बच्चे कहते हैं जी नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू वेट। बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं धारणा नहीं रखना। मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये आ गया मतलब इसका मान लीजिए आपका वेट इसका एम जी और नॉर्मल रिएक्शन आ गया ये, इस वक्त तो चलो चलेगा ये दोनों ये बराबर है। लेकिन मान लो कि अगर यही सिचुएशन में ऐसे कर लू कि इसको मैं क्या करता हूं कि इसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चला देता हूं, यस, जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चलाऊंगा फिर आप देखिएगा कि इसका मान लीजिए एंगल थीटा है, तो जहां से इसका वेट आ गया एम जी, जी आ गया इसका एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट, जी हो गया आपका एम जी साइन थीटा कंपोनेंट, और नाम रिएक्शन हो गया ये परपेंडिकुलर। अब देखो, अब इस केस में तो एम जो है वो बराबर है ना हुआ एम जी, एम जो है वो इसके बराबर हो गया यहां पर, एम इज इक्वल टू एम जी कॉस। तो आपको ये कभी नहीं याद रखना क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट जो फोर्स होगी वो है, आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, आपने इसके साथ ये वेट जो था, वेट जो था जिससे वो नीचे अर्थ खींच रही है, जी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक बार अमेरिकन में ये कहीं याद रख देना कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू वेट, ये कहीं रॉन्ग कॉन्सेप्ट में आपका चल रहा है। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं, और ये भी आपको मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया। अब देखिए एक चीज और, मान लो कि आपके पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई ब्लॉक है, ये मैंने एक धागा इसके साथ बांध देता हूं, और यहां पर एक आदमी यहां पर काट कर देते हैं जो इसको अपने तरफ इसको खींचेगा, इस रोप को मान लो जी रोप है, ये मैन है, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम समझते हैं, ये आदमी क्या करे कि इस रोप को अपने तरफ खींच रहे, मतलब ये मैन जो है ये इस रोप को अपने तरफ ऐसे ऐसे खींच रहा है, ऐसे जब खींचेगा तो ये आदमी जो इस रोप के ऊपर फोर्स लगाएगा वो कितनी होगी, वो आएगी थोड़ा सा आदमी दूर बना लेते हैं, ये मैन इसको अपने तरफ खींच रहे हैं, तो ये आएगा फोर्स ऑन रोप ड्यू टू मैन, एफ आर आर का मतलब कि फोर्स ऑन रोप किसने लगाई, मैन के द्वारा, ये हो गया एक्शन इस आदमी ने किया इस रस्सी के ऊपर, रस्सी को अपने तरफ खींचा, तो न्यूटन थाना क्या करता है कि अगर ये खींचेगा रस्सी को अपने तरफ तो रस्सी भी इसको पीछे खींचेगी, तो आप रस्सी जो अपने तरफ खींचेगी वो हो गया, ये हो गया एक्शन, अब ये हो गया रिएक्शन, आएगा फोर्स ऑन मैन ड्यू टू रोप। अब ये रोप जो है मैन को पीछे खींचेगी, क्योंकि मैन ने रोप को इधर खींचा, मैन ने इस पर एक्शन किया, तो रस्सी ने मैन के ऊपर एक्शन किया, और ये दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट। अब जो यहां पर देखे, यहां पर देखो कि ये जो रोप है, अब ये रोप क्या करेगी, इस ब्लॉक को अपने तरफ खींचेगी,
मान लो ये रोक जो है इस ग्लास अपने तरफ खींच रही है, फोर्स ऑन ग्लास ड्यू टू रोक ब्लॉक को इधर खींचे, फिर ये जो ब्लॉक होगा ये रोक को पीछे खींचेगा, ये हो गया फोर्स ऑन रोक ड्यू टू ब्लॉक। तो ये आ गया आपके एक्शन रिएक्शन के लिए, और ये आपको देखना है एक्शन रिएक्शन थ्योरी के बारे में कि देखो दोनों डिफरेंट पॉलिस के पर लग रहे हैं और एक आप करोगे दूसरा आपका ऑटोमेटिकली जहां पर जनरेट होगा। देखिए सपोज कीजिए कि आप मान लो कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ये सन है, ये मान लीजिए हमारे प्लेनेट्स घूम रहे हैं, अर्थ ले लेता हूं मान लीजिए ये अर्थ घूम रहे, आप सन इधर कर रहे हैं तो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, सन ने अर्थ को अपनी तरफ खींचा, ये हो गया एक्शन, एक्शन हो गया, सन ने अर्थ के ऊपर लगाया एक्शन, सन ने अर्थ को अपनी तरफ खींचा। अब रिएक्शन फोर्स कहां पर होगी, एक्शन किसके ऊपर होगा अर्थ के ऊपर, अब रिएक्शन जो है दूसरी पार्टी के ऊपर होगा, अब अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींचेगी तो वो हो गया फोर्स ऑन सन ड्यू टू अर्थ, ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ये आप देखिए यहां पर ध्यान से, जैसे हम बोलते हैं कि इन दोनों जो जो सन और अर्थ के बीच में फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, जितना अर्थ सन को लगाएगा उतना सन अर्थ को लगाएगा, वो अलग रीजन है कि अर्थ क्यों चलती है सन क्यों नहीं चलता, क्योंकि फोर्स बेशक सेम हो, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो फोर्स अपॉन मास होती है। अब फोर्स दोनों के सेम लग रही है लेकिन जिसका मास कम होगा उसी में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इसलिए फोर्स दोनों में सेम लगने के बावजूद भी अर्थ आपको क्यों चलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अर्थ का मास आपका कम। इसका बच्चों आप ये फील भी कर सकते हो घर में कि आप क्या कीजिए कि आप अपने फिंगर जैसे आप तो फिंगर ऐसे बनाइए, ऐसे हाथ मुखाद धागा बांधिए, ये धागा ले लीजिए, धागे के साथ आप एक छोटा सा पत्थर बांध लो और फिर इसको घुमाओ ऐसे 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 घुमाओ इस पत्थर को ऐसे जोर जोर से घुमाओ, तो आप देखोगे जब आप उसको घुमाते हो तो आप देखोगे कि आपकी उंगली जो है ना उसको ऐसे लगेगा कि बाहर की तरफ खींच रहे हैं ऐसे, वो आप क्यों होता है क्योंकि देखिए अब ये उंगली इसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो गया एक्शन, उंगली ने इसको अपने तरफ खींचा एक्शन, अब ये इसके ऊपर एक्शन लगाएगा ये उंगली को बाहर की तरफ खींचेगा दैट इज एक्शन। तो ये इस तरह एक्शन रिएक्शन पेयर्स जो है वो हमारे बनते रहते हैं। दिस इज न्यूटन चाला कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो कि एक्शन रिएक्शन पेयर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। आओ बच्चों होप्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा एक्शन रिएक्शन पेयर्स का कंसेप्ट, तो आप ऐसे ही डे टू डे लाइफ में और प्रॉब्लम दे सकते हो, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको बात कर बताई कि हाउ वी वॉक हम चलते कैसे हैं बच्चों, वो देखेंगे ये ग्राउंड है आपका, जब हम चलते हैं तो हम अपने ऐसे फुट को आप ऐसे ये फुट है मेरा जिसको अर्थ को जोर से नीचे मारते हो गया एक्शन, ये एक्शन हो गया, फिर अर्थ आपको पीछे से धक्का देती है आगे दैट इज नोन एज रिएक्शन। तो लेकिन आप क्वेश्चन आते हम आगे क्यों नहीं चल पड़ते ऊपर, नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि एंगल बना रहा है रिएक्शन जो होगा वो एंगल बना रहा है थीटा, अब इस रिएक्शन के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा आर कॉस थीटा और एक हो जाएगा आर साइन थीटा और वेट आपका आ जाएगा नीचे, तो आर साइन थीटा हमारे वेट को संभालता है और आर कॉस थीटा होता है ये हमें फर्दर आगे चलने में मदद करता है। तो बच्चों इस तरह आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं, होप्स आपको समझ आ चुका होगा एक्शन रिएक्शन, कमेंट कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और आप कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट पक्का कीजिए, कमेंट में लिखिए कि मैं अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, आपके कमेंट्स हमेशा वेलकम्स हैं और हमें इनर्जाइज करते हैं। थैंक्स।